त्योहारों के मद्देनजर शहर के प्रमुख मार्गों से पुलिस प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च कंट्रोल रूम से शुरू हुआ, जो शहर के उपनगर नीमच सिटी और बगाना से होकर भी गुजरा। इस दौरान पुलिस अधिकारियों सहित कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। त्योहारों के मद्देनजर पुलिस प्रशासन द्वारा सोमवार को फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च पुलिस कंट्रोल रूम से शुरू हुआ, जो शहर के प्रमुख मार्गों से निकला। फ्लैग मार्च शहर के उपनगर नीमच सिटी और बगाना से होकर भी गुजरा, जिसमें एडिशनल एसपी सुंदर सिंह कनेस, सीएसपी राकेश मोहन शुक्ला सहित तीनों थाना के थाना प्रभारी मौजूद रहे। एडिशनल एसपी सुंदर सिंह कनेस ने जानकारी देते हुए बताया कि त्योहारों को देखते हुए पुलिस कर्मियों की ड्यूटी शहर में अलग अलग जगह लगाई जाती है। फ्लैग मार्च निकालने से सभी पुलिसकर्मियों को शहर के एरिया चिन्हित कराए जाते हैं, जिसमें यह आवश्यक हो जाता है कि सभी पुलिसकर्मी अपने अपने एरिया में भौगोलिक स्थिति को देख ले और समझ ले, जिससे उन्हें ड्यूटी करने में कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए फ्लैग मार्च निकाला गया है। इस दौरान एसडीएम एसएल शाह के भी मौजूद रहे देखिए, ये जो हमेशा त्यौहार पे या कोई भी उत्सव हो या कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी के लिए जो हम लोग ड्यूटी लगाते हैं, हमारा फोर्स पे फिक्स पॉइंट लगाते हैं, कोई मोबाइल में लगाते हैं, तो उनको एरिया को चिन्हित करने के लिए और एरिया की जानकारी के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि सभी लोग अपना अपना एरिया ठीक से देख लें, भौगोलिक स्थिति जानकारी ले लें, अपने कौन कौन सी गलियों में किस किस तरह से कहाँ कहाँ कार्यक्रम है, उस हिसाब से सभी को जानकारी होना आवश्यक है। इसी के तहत जो है हमेशा जब जब व्यवस्थाएँ लगाई जाती हैं तो फ्लैग मार्च के रूप में पूरे एरिया को कवर किया जाता है।